हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीआरजी एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैंने कंटोनमेंट बोर्ड की नौकरी क्यों छोड़ी। हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, कंटोनमेंट बोर्ड की भर्तियों से जुड़े सभी सवाल और जवाब। दोस्तों, आज हम इन भर्तियों से जुड़े सभी सवाल और जवाबों का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स में दोस्तों कई वैकेंसियां आ रही हैं, कई अलग अलग कंटोनमेंट बोर्ड हैं। लगभग 62 कंटोनमेंट बोर्ड हैं इंडिया में। भारत सरकार ने आदेश दिया है कि सभी कंटोनमेंट बोर्ड्स में सारी भर्तियों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, जिस क्रम में ये भर्तियां निकल रही हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसी ही ढेरों जानकारी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम, जैसा कि लिखा हुआ है, कंटोनमेंट बोर्ड वैकेंसी सवाल और जवाब। देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे सवाल, कई सारे जो मेरी पहली वीडियो है उस पर कई सारे कमेंट आए थे, भर्ती प्रक्रिया के बारे में, टाइपिंग टेस्ट के बारे में, भर्ती कैसी है, स्थाई है या प्राइवेट है। कई तरीके के मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने अब एक कंप्लीट वीडियो बना दिया। इस वीडियो में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं आपके साथ। देखिए, पहला जो पॉइंट है, भर्ती किस प्रकार की है। कई सारे क्वेश्चन सभी के दिमाग में है, कई सारे कंटोनमेंट बोर्ड्स में वैकेंसियां आई हुई हैं, चाहे आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, कई वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट टीचर है और सीनियर क्लर्क है, वेल्डर है, कई सारी वैकेंसियां इसमें निकली हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है, कंटोनमेंट बोर्ड एक प्रकार का नगर निगम का कार्य करता है। जो सेना की छावनी होती है, सेना का जो इलाका होता है जहाँ सेना के बेस होते हैं, उस एरिया में जो आम होते हैं उनके लिए लाइट की आपूर्ति करना, सड़कें बनवाना, पेयजल आपूर्ति करना, उस स्पेशल ऑक्यूपाइड एरिया में जो भी बेसिक नीड, जो हम जहाँ रहते हैं, जिन शहरों में जो काम नगर निगम करता है, सेना की छावनियों में रहने वाले लोगों के लिए कंटोनमेंट बोर्ड्स ये काम करता है। तो देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड्स आपको क्लियर हो गया क्या काम करता है। अब हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड्स की नौकरी के बारे में। दोस्तों, जॉब किस प्रकार की है, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। देखिए, नौकरी इसमें कौन सी है। दोस्तों, जॉब किस प्रकार की है, किस प्रकार की सर्विस है। आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जितने यूट्यूबर्स हैं आपके, जितने कंटोनमेंट बोर्ड्स पे जितनी वीडियो बनी है, वो आपको आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, किस प्रकार की सर्विस है, राज्य की है, केंद्र की है, अर्ध सरकारी है, प्राइवेट है, स्थाई है या अस्थाई है। दोस्तों, जैसे कंटोनमेंट्स बोर्ड के आगे लिखा रहता है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, तो देखो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय की कोई नौकरी नहीं है, केंद्र सरकार की नौकरी नहीं है। ये बताऊंगा इसके बारे में, केंद्र सरकार की नौकरी क्यों नहीं है। कंटोनमेंट्स बोर्ड जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन जरूर आता है, लेकिन कंटोनमेंट्स बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वह रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। जो कर्मचारी हैं, जिस राज्य में जो कंटोनमेंट बोर्ड्स है वह उस राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे। यानी कि अगर आपका कंटोनमेंट बोर्ड उत्तर प्रदेश में है तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे, और आप पे जो वेतन भत्ते लागू होंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य के वेतन भत्ते लागू होंगे। अगर आप MP के कर्मचारी हैं, अगर आपका कंटोनमेंट बोर्ड MP में है, अगर आपका कंटोनमेंट बोर्ड महाराष्ट्र में है या आपका कंटोनमेंट बोर्ड छत्तीसगढ़ में है,
तो आपको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे उस राज्य के कर्मचारियों के हिसाब से मिलेंगे। तो ये केंद्र सरकार की नौकरी तो बिल्कुल नहीं है, ना ये अर्ध सरकारी है, ना प्राइवेट है, ना ना इस अस्थाई है। ये एक स्थाई नौकरी है, परमानेंट जॉब है, और एक एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार केवल जो इनके सीईओ होते हैं, मुख्य अधिशासी अधिकारी जो सिविल सर्विसेज क्रैक करके आते हैं, केवल आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, केवल वही लोग केंद्र के होते हैं। बाकी जितने कंटोनमेंट बोर्ड्स के कर्मचारी होते हैं वो एक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आप सभी को दिलो दिमाग में होगा कि आखिर सबसे अच्छी नौकरी किस कंटोनमेंट बोर्ड की है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, कंटोनमेंट बोर्ड को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी ए वन फर्स्ट यानी कि ए, एक सेकंड कैटेगरी, एक थर्ड कैटेगरी। तो दोस्तों ये तीन कैटेगरी हैं, ये कैटेगरियां डिसाइड होती हैं कंटोनमेंट्स जो क्षेत्र हैं इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड बड़ा होता है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड छोटा होता है। बड़े कंटोनमेंट बोर्ड में बड़ा काम रहता है, छोटे में छोटा काम रहता है। तो जैसे मैं आपको बड़े बड़े कंटोनमेंट बोर्ड जैसे बता दूं, जैसे आपका आगरा कंटोनमेंट बोर्ड है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड है, ये आपके ए ग्रेड वाले कंटोनमेंट बोर्ड है। लखनऊ कंटोनमेंट भी आपका ए ग्रेड वाला है। और जो बाकी छोटे छोटे कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जैसे आपका वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड है, ये ग्रेड बी वाला कंटोनमेंट बोर्ड है। तो इसी प्रकार से तीन जो छोटे कंटोनमेंट बोर्ड हैं, पहाड़ी इलाकों में जो कंटोनमेंट बोर्ड है, कुछ उसमें ग्रेड टू वाले हैं, कुछ उसमें ग्रेड थ्री वाले हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे अच्छी नौकरी कौन से कंटोनमेंट बोर्ड की है। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छा नॉर्थ इंडिया में जो कंटोनमेंट बोर्ड है वो है दोस्तों आगरा कंटोनमेंट बोर्ड एंड लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड एंड दिल्ली। ये तीन कंटोनमेंट बोर्ड सबसे अच्छे कंटोनमेंट बोर्ड हैं दोस्तों। तीनों ए ग्रेड के कंटोनमेंट बोर्ड हैं, बाकी के ग्रेड टू या ग्रेड थ्री के कंटोनमेंट बोर्ड हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है या जो फॉर्म डाल रहे हैं वो अपने हिसाब से फॉर्म डालें। अब हम दोस्तों बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की कौन कौन सी सुविधाएं इन कंटोनमेंट बोर्ड्स में मिलती हैं। दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है, क्या मेडिकल कार्ड मिलेगा, कैंटीन की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों इस बात के लिए, इस पॉइंट के लिए आपको थोड़ा झटका लगने वाला है, रक्षा मंत्रालय की आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी इस कंटोनमेंट बोर्ड में रक्षा मंत्रालय की। क्योंकि क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अधीन कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड नहीं आता है, इसलिए आप रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी नहीं गिने जाएंगे। आप सिर्फ एक कंटोनमेंट बोर्ड, जो कंटोनमेंट बोर्ड है जिसकी नियमावली है, हर कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे उसकी नियमावली है दोस्तों, और उस नियमावली को पढ़िए, आप सिर्फ उस कंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी हैं बस। रक्षा मंत्रालय का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको रक्षा मंत्रालय का कैंटीन कार्ड मिलेगा, ना उसकी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रमोशन, नौकरी में अच्छे प्रमोशन है। जो भी जूनियर क्लर्क पे जाता है सीनियर क्लर्क बनता है, सीनियर क्लर्क के बाद वो वहाँ का ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनता है। अर्थात अगर आप जूनियर क्लर्क पे जाएंगे तो आपके पास कई सारे वहाँ विभाग होते हैं, उन विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप सीनियर क्लर्क बनेंगे, उसके बाद आप ओएस बनेंगे। ओएस वहाँ पर एक ही पोस्ट होती है, आप पूरे कंटोनमेंट बोर्ड के सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, यानी कि जो मुख्य अधिशासी अधिकारी होते हैं उनके बाद सिर्फ आप ही वहां पर चीफ होंगे सभी लोगों के। अब बात करते हैं नौकरी में ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की सुविधा। दोस्तों सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है और सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न, क्या अगर कोई व्यक्ति लखनऊ का रहने वाला है और वह देहरादून कंटोनमेंट बोर्ड में फॉर्म डालता है, वो ये सोचता है कि मैं कल को देहरादून से लखनऊ ट्रांसफर ले लूंगा,
बिल्कुल कभी आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला, आजीवन आप जिस कंटोनमेंट बोर्ड में नौकरी करेंगे आपको सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। कंटोनमेंट बोर्ड्स में एक बोर्ड से दूसरे कंटोनमेंट बोर्ड में कभी ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि मैं कंटोनमेंट बोर्ड में नौकरी करके आ चुका हूं, मुझे सारी चीजों की जानकारी है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जूनियर क्लर्क के पद का क्या कार्य होता है? दोस्तों, जूनियर क्लर्क और सहायक अध्यापक दो ही सबसे पॉपुलर पोस्टें हैं इसकी, एक जूनियर क्लर्क, एक सहायक अध्यापक। सबसे ज्यादा फॉर्म इसी पे पड़ता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं कि जूनियर क्लर्क का क्या काम रहता है और एक असिस्टेंट टीचर का क्या काम रहता है। देखिए, जूनियर क्लर्क का काम क्या है, बोर्ड के जितने विभाग होते हैं कंटोनमेंट्स बोर्ड में, अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे अकाउंट्स, वाटर सप्लाई, पीडब्ल्यूडी, रजिस्ट्रेशन विभाग जिसमें बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं आदि, उनमें लिपिकी कार्य, जितना भी क्लरिकल कार्य होता है वो एक कनिष्ठ सहायक काम करता है, जूनियर क्लर्क काम करता है। दोस्तों, अलग अलग विभागों में आपको कंटोनमेंट बोर्ड के काम करने का मौका मिलेगा, फिर आपका प्रमोशन होगा, जूनियर से सीनियर बनेंगे, सीनियर से आप ओएस बनेंगे और सीधे बोर्ड के जो सीईओ होते हैं, बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उनसे आपके संपर्क रहेंगे, उनके द्वारा जो कार्य बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों बताते हैं सहायक अध्यापक के पद का कार्य। देखिए, कंटोनमेंट्स बोर्ड में अधिकतर 3 से 4 स्कूल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है कि कंटोनमेंट बोर्ड में अगर हम टीचर बन गए तो हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या जैसे बेसिक शिक्षा में जो टीचरों की पोस्टिंग होती है उसी प्रकार से हमें किसी जिले, एक जिले से दूसरे जिले भेजा जाएगा या किसी ब्लॉक में रखा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कंटोनमेंट बोर्ड नगर निगम, जो आपके नगर निगम की सीमा है उस सीमा को छोड़कर, जो सेना की सीमा है, जो ऑक्यूपाइड करके रखती है जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। उस कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जितने आम नागरिक रहते हैं वो उस कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आते हैं, उन लोगों के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे नगर निगम अपने स्कूल संचालित करता है उसी प्रकार से कंटोनमेंट बोर्ड भी अपने स्कूल चलाता है। उन स्कूलों में आपको एज अ टीचर काम करना है। वो स्कूल 2, 3 या 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, तो वो भी बिल्कुल आसपास होते हैं, कंटोनमेंट एरिया में ही होते हैं। ये आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी आप काम करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में ही काम करेंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इन्हीं चारों में आप घूमते रहेंगे, इन्हीं चारों में आपकी पूरी सर्विस निकल जाएगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं होगा, इन्हीं चारों स्कूलों में, किसी चाहे कहीं कहीं 2 ही स्कूल होते हैं, उन्हीं 2 स्कूलों में आपको पढ़ाना है। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर क्लर्क और सहायक अध्यापक के वेतन की। तो जैसा कि आपको पता है, जूनियर क्लर्क का बेसिक पे होता है 21,700 और सहायक अध्यापक का बेसिक पे होता है 35,200, क्योंकि ये लेवल 3 की जॉब है, ये लेवल 6 की जॉब है, तो इसके अनुसार एक औसतन जो वेतन मिलता है 28,000, इसको वेतन मिलता है 45,000। लेकिन लेकिन यहां मैंने लिखा वेतन मिलने में समस्या, अधिकतर कंटोनमेंट बोर्ड इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ बजट आता है, बजट की कमी रहती है हमेशा, तो लगभग इनको वेतन मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बजट इनके यहाँ बहुत कम रहता है, कभी बजट नहीं मिलता, कभी वेतन मिलता तो है, सबको वेतन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, सरकारी नौकरी है, वेतन सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, कभी कभी वेतन 2-2 महीने का अटक जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है अगर आप चयनित होके जाते हैं तो। अगला मैं बात करूंगा, भविष्य में कंटोनमेंट बोर्ड समाप्त कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको प्रश्न चौंकाने वाला बता रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा रेलवे में जो ग्रुप डी की अभी जो फिजिकल चल रहे हैं, उसके बाद जो ग्रुप डी में
ज्वाइन करने वाले हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें। मैं ग्रुप डी की पोस्ट की ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होंगी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, भविष्य में कंटोनमेंट बोर्ड समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसा होने वाला है। मैं आपको बता दूं, भविष्य में कंटोनमेंट बोर्ड को समाप्त करने का प्रस्ताव है, लेकिन ये कब तक होगा, कैसे होगा, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। किंतु कंटोनमेंट बोर्ड जितने हों उनका भविष्य थोड़ा लटका हुआ है, इसके बारे में एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने किस कंटोनमेंट बोर्ड से नौकरी छोड़ी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं मैंने किस कंटोनमेंट बोर्ड से नौकरी छोड़ी है, ये मैं आज आपको बता ही देता हूं। इसके लिए वीडियो बताई है दोस्तों, मेरा चयन हुआ था वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड में। वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड में एक वैकेंसी आई थी जूनियर क्लर्क की, वन वैकेंसी जूनियर क्लर्क की आई थी दोस्तों, उसमें मेरा चयन हुआ था। और मैंने चयन होने के 15 दिन वहाँ नौकरी भी की थी, किंतु कई ऐसे कारण थे मेरे सामने, लेकिन मैं खुलकर आपको इस चैनल पे नहीं बता सकता। मेरे सामने कई ऐसे चैलेंजेस आए, कई ऐसे कारण थे जिस कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। हालांकि नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी है कंटोनमेंट बोर्ड की, लेकिन किसी कारणवश मजबूरी में मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी। दोस्तों बताऊंगा, मैं इस समय सेवा एक सर्विस में ही कार्यरत हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड को जितना मैंने जाना है, जितना मैंने वहाँ 15 दिन रह के जाना है, शायद ही आपको इस वीडियो के अलावा कोई और बता पाएगा। तो दोस्तों, वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड में मेरा ज्वाइनिंग हुई थी। आप वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उसमें फाइनल सेलेक्टेड नाम मेरा है प्रशांत के नाम से। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक और बात यहाँ मतलब कहना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों ने वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड में फॉर्म डाला है या जो वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड की तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करें, आपको पूरा मौका मिलेगा वहाँ पे अपनी काबिलियत साबित करने का, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ। दोस्तों, अगला जो सवाल है, जैसे बात करें परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि परीक्षा की तैयारी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। ज़्यादा कठिन परीक्षा इसमें आती नहीं है, कठिन पेपर आता नहीं है, सभी पेपर बनाने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड पेपर बनता नहीं है। जनरली जो आप पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन नॉर्मल एसएससी रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, उसी को अच्छे से अच्छा करें, उसी में से ही पेपर आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। अगला सवाल मैं आपको लेता हूँ, सहायक अध्यापक का जो सिलेबस के, कई मेरे पास मैसेज आए, मेरे पास कॉल आई कि सहायक अध्यापक में कुछ सिलेबस क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड का। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने बीएड में पढ़ा है या जो आप टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उसी को रिवाइज करते रहें। अपना कोई जो आपका मेन सब्जेक्ट हो उस पर फोकस रखें, और इसमें कुछ नहीं कह सकते किस प्रकार से पूछा जाएगा। अगला, टाइपिंग फॉन्ट के बारे में मुझसे पूछा गया था कि टाइपिंग फॉन्ट कौन सा है। देखिए, टाइपिंग फॉन्ट या तो आप कुर्तिदेव या मंगल, कुर्तिदेव ऑब्लिक मंगल, दोस्तों या कुर्तिदेव या मंगल, जिसमें भी आप टाइपिंग करते हैं अच्छे से टाइपिंग करें, चाहे आप कुर्तिदेव में करें चाहे आप मंगल में करें, सभी में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मंगल में ही लिया जाएगा या कुर्तिदेव में लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने मेरे समझ से जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को पहुँचा दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में रेलवे के ऊपर लेके आने वाला हूँ, रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के ऊपर, और उसमें ऐसा कुछ होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। कई वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पे कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी ऐसी होती है, ऐसी होती है, किंतु अंदर की बात आपको कोई नहीं बताता कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी कैसी होती है।
तो कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही प्यार दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।